ଉବୁଟୁବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁନକ କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ଭାସୁଛି ଗୋଆ, ଆସାମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଙ୍ଗୀନ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଆପ୍ ସରକାର। ପୁଣି ବେହାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତି, ଘରେ ପାଣି, ବାହାରେ ପାଣି। ରାତିରେ ଶୋଇ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଘର ଦୁଆରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିଲା ପାଣି। ବିନା ବର୍ଷାରେ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ବୁଝିବାକୁ ବେଳ ନଥିଲା। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଶୋଷରେ ଆତୁର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପ୍ ସରକାର। ଏପଟେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଉଛି ଘର ଆଗରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, ସବୁ ଜାଣି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ୋଶୀ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଖସିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶ ମାରଲେନା। ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବା ସହ ଦାଉ ସାଧୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। इस मुनक कनाल की दीवार टूटने की वजह से यहाँ से जो पानी है वो निकल कर बवाना के इलाकों में गया है। जे जे कॉलोनी में काफ़ी जगह पानी भरा है। अब पानी भरना बंद हो गया है क्योंकि हरियाणा से हमने पीछे से फ्लो बंद करा दिया था। अब वहाँ पर साइट पर दिल्ली की सारी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो DDA हो, चाहे वो MCD हो, चाहे वो PWD हो, सारी एजेंसीज़ मिलकर अब पानी को पंप आउट कर रही हैं और ड्रेन्स में उनको पंप आउट किया जा रहा है। पानी का लेवल धीरे धीरे अब नीचे जा रहा है। मॉनसून ट्रफ का सरफेस में तो वो अभी भी बंगाल की खाड़ी में है, जिसके कारण से मॉइस्चर थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडिया में जा रही है, मगर थोड़ा अपर लेवल्स में ऑलरेडी मॉनसून ट्रफ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करने से हमारा जो बारिश का जो स्थिति है, आपका नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया की अगर बात करें तो प्राइमरली हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बारिश बढ़ेगी। सेपटे आसाम, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, महाराष्ट्र सह बिहार रे लगाण वर्षा रे एकाकर रास्ताघाट, केउठे रास्ता धोई हो जाई छि तो केउठे गाड़ी भासुछि। भूस्खलन जोगु अनेक अंचल को गमनागमन बंद होइछि, प्रभावित होइछि रेल और विमान चलाचल। रास्तारे पानी जमी रहिबा फळरे अनेक जनबसति पलटिछि विच्छिन्नाञ्चल। आसाम, उत्तराखंड, मेघालय रे लक्ष लक्ष लोक वर्षा रे प्रभावित होइछन्ति। ପ୍ରଭାବରେ ବଜାରରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପରିବା ଦର, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଇତନି ଜ୍ୟାଦା ହୋ ଜାତି ହୈ ୟହାଁ ବଚ୍ଚୋଁ କୋ ଭି ଦିକ୍କତ ହୋତି ହୈ ଔର କାଫି ବାଇକେଁ ବନ୍ଦ ହୋ ଜାତି ହୈ, ସାଇଲେନ୍ସର ବଗୈରା ମେଁ ପାନି ଭର ଜାତା ହୈ ଔର ଛୋଟେ ଛୋଟେ ବଚ୍ଚେ ହୋତେ ହୈ ସଡ଼କ କ୍ରସ କରତେ ହୈ, ଅବ ଓ କୈସେ କର ପାଏଁଗେ, ୟା ତୋ ଉନକେ ଘରୱାଲେ କୋଇ ଲେକେ ଆଏଁଗେ ୟା ଜୈସେ ଭି ହୋତା ହୈ, ୟହୀ ଦିକ୍କତ ହୋତି ହୈ। କାଫି ଗାଡ଼ିଆଁ କଭି କଭି ରୁକ ଜାତେ ହୈ ବୀଚ ମେଁ ତୋ ଜାମ ଭି ଲଗ ଜାତା ହୈ ଐସେ ମେଁ ୟହାଁ ପେ। स्थिति हमेशा बारिश बरसात के मौसम में होती है और काफी लोगों को यहाँ पे मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे स्कूल वैन खड़ी है, वहाँ छोटे बच्चों को घर छोड़कर आने के लिए आई थी और बच्चे अभी काफी परेशान हो रहे हैं और काफी लोगों की गाड़ी यहाँ पर बंद हो चुकी है। 10-11 ही जुलाई है तो अब यहाँ पहुँच गया है, तो अभी माना जा रहा है कि 10-15 दिन में वो इसका छूट देगा। एक हफ्ते से 10 दिन में, क्योंकि मैं डेली आता हूँ यहाँ पे, योगा करता हूँ, तो 1 वीक पहले आपको वाटर लेवल और शिप देख रहे हैं ना जी, उसके उधर था, लेकिन ये एक हफ्ते के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है। अचानक ये अचानक 2-3 दिन पहले से बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है और बाढ़ का भी काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रहा है। पूरा मतलब आधा मतलब पटना ऐसे बाढ़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जगह पानी लग गया है और इसका भी संभावना काफ़ी ज़्यादा लेवल पर भी देख रहे हैं, पानी आ ही गया है और हमको ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रहा है, ऐसे 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर बाढ़ की संभावना बढ़ सकता है। तो बारिश का भी प्रभाव है, सारी हरी सब्जियाँ समाप्त हो जाती हैं, आलू प्याज टमाटर, तो तेज़ी की संभावना हो जाती है कभी कभी। लेकिन यह है कि स्टोरों की अपेक्षा स्टोरों से निकासी भी ठीक चल रही है। यूपी में दिल्ली की अपेक्षा यूपी और साउथ की मंडियों में तेज़ी का रुख बना हुआ है। राताराती मुनक केनाल बंध भांगिला, जमुना पानी कूल लंघिला, नर्दमा पानी घरे पशिला, किंतु सोइथिले दिल्ली सरकार। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ, ବଢ଼ୁଛି ବର୍ଷା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ଷା ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।